प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? इन लोगों ने अपनी वीडियो में इतनी उड़ान भरी है, इतनी उड़ान भरी है, जितनी उड़ान ये सपने में भरते हैं। और काइन मास्टर के मेकर्स ने इनका क्या बिगाड़ा है, जो ये काइन मास्टर की शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी वीडियो को देखकर एक ही बात दिमाग में आती है, क्रिश पहले था नहीं अभी भी है, डायनासोर पहले थे नहीं अभी भी हैं, और ये लोग मस्तकहीन थे नहीं अभी भी हैं। तो पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए चंद्रमा पे विज्ञान हीन की। वैज्ञानिक उसे कहते हैं जिसके अंदर थोड़ा ज्ञान होता है, जो कि इनके अंदर नहीं है, वरना जो चीज इनके हाथ में थी, मतलब कि एडिटिंग, कम से कम ये उसे तो क्रिंज नहीं बनाते। हाँ, तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है, पाकिस्तान के क्रिंज एडिटर। पिछले वीडियो में चांद का टुकड़ा लेने तो पहुंच गया था, लेकिन कोई इससे तो पूछे ये चांद का टुकड़ी क्या करेगी क्या, और अब आपको चांद का टुकड़ा पाने की इतनी तलब मची है, तो एक काम करो सीमा हैरत की तरह तुम भी इंडिया जाओ, इंडिया चांद पे पहुंच चुका है, कोई ना कोई चांद का टुकड़ा ला ही देगा। मुझे नहीं पता था इंडिया को देखकर पाकिस्तान इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाएगा कि वो अब बाइक को भी उड़ा देंगे। मतलब पिछले ही वीडियो में इन्होंने कुछ ऐसा रॉकेट लॉन्च किया था, और इतनी जल्दी इन्होंने बाइक को ही रॉकेट बना दिया। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। तो भाई यहाँ तो अगले ही पल में तरक्की पे तरक्की होए जा रही है, तो अभी प्लान में थोड़ा चेंज है, तुम्हें अब इंडिया में आने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा मुल्क ही इतना ज्यादा विकसित हो गया कि ना तुम्हें अब रॉकेट की जरूरत है ना बाइक की जरूरत है, बस अब लकड़ी पे बैठो और चांद पे पहुंच जाओ। भाई खटिया क्या काम आती है, बैठने के लिए, सोने के लिए नहीं, चांद पे पहुंचने के लिए। एक लड़की के पीछे कितना ज्यादा आविष्कार करोगे तुम लोग। हाँ बस अब यही देखना बाकी रह गया था, इनकी वीडियोज पे थोड़ा और स्क्रॉल करोगे तो अब ये संडास पे बैठ के उड़ जाएंगे। क्योंकि इंसान के चांद पे पहुंचने में, चलो चांद पे पहुंचना तो छोड़ो, हवा में उड़ने का भी ना तो कोई साइंस है ना कोई लॉजिक है, अगर इनका मन करेगा तो ये गर्दन से भी उड़ जाएंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तो धीरे धीरे इनका क्रिंज देखकर मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आता है, ये सच में इस सदी के तो है ना, इनके करतब और कारनामे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि डायनासोर के जमाने के हो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जब पहले डायनासोर हुआ करते थे तब केवल पाकिस्तानी थे, और ये वीडियो तभी की है। ये सब तो ठीक है क्योंकि काइन मास्टर की शक्तियों का गलत इस्तेमाल और तुम्हारा क्रिंज है, लेकिन सोले फिल्म का इतना टट्टी वर्जन बनाने की जरूरत कहां पे पड़ रही थी? तो इनकी वीडियो को अगर आप स्क्रॉल करते करते देखोगे तो आपकी उंगली में नहीं लेकिन दिमाग में जरूर दर्द हो जाएगा। क्योंकि एक चांद के टुकड़े के लिए हर वीडियो में उड़ रहे हैं ये, जो कारनामे कोई नहीं कर सकता ये लोग वो कर सकते हैं। तो आगे इनका कारनामा वो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे डर है तुम लोग पत्थर बगाना शुरू कर दो, नहीं तो डिसलाइक के बटन। तो लास्ट में सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा, इस वीडियो का मतलब किसी भी प्रकार का हेट फैलाने से है नहीं, ये वीडियो केवल और केवल, हां केवल और केवल एंटरटेनमेंट के लिए थी, है और रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।